नाटू नाटू तेलुगु भाषा में गाया गया था, बहुत सारी भाषाओं में डब हुआ, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ 30 क्या आज दुनिया के करोड़ों दिलों के दिल में नाटू नाटू बज रहा है। सर, तमिल भाषा में फिल्म बनी द एलिफेंट विस्परर्स, सर छोटी बात नहीं सर, छोटे बजट के साथ बनी, स्मॉल डॉक्यूमेंट्री थी, लेकिन आज उसको भी जो मुकाम हासिल हुआ है भारतीय फिल्म जगत की, देश और दुनिया भर में जो धूम मची है, RRR के नाटू नाटू ने ना केवल देश बल्कि दुनिया का दिल जीतने का काम किया है। ये भारत के लिए गौरव की बात है कि ऑस्कर 95 में जिस तरह से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एक नहीं दो दो अवार्ड्स पाने का काम किया है। सब फिल्म की धूम तो यहाँ पर थी ही, लेकिन इंडियन फिल्म कंटेंट को आज दुनिया ने, और मैं कहूँ ब्रांड इंडिया हैज़ अराइव्ड एंड इट इज़ जस्ट द बिगनिंग, एंड इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड, एंड लेट अस वर्क टुगेदर टू मेक इंडिया द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। नथिंग इज रीजनल टुडे, एज प्राइम मिनिस्टर से लोकल टू ग्लोबल, our regional has become international, sir. That is the big achievement for India, sir. और सर इसमें बड़ी बात यह है कि नाटू नाटू तेलुगु भाषा में गाया गया था, बहुत सारी भाषाओं में डब हुआ, लेकिन आज मैं कह सकता हूं 30 क्या आज दुनिया के करोड़ों दिलों के दिल में नाटू नाटू बज रहा है, तो भारत के संगीत की धुन आज दुनिया भर में हो रही। सर, तमिल भाषा में फिल्म बनी द एलिफेंट विस्परर्स, सर छोटी बात नहीं सर, छोटे बजट के साथ बनी, स्मॉल डॉक्यूमेंट्री थी, लेकिन आज उसको भी जो मुकाम हासिल हुआ है, मैं अपनी ओर से, क्योंकि ये जिम्मेदारी मोदी जी की सरकार में मिली है, हम कह सकते हैं सर, हमने लगातार जब टोरंटो फिल्म फेस्टिवल भी हुआ तब राजा मौली जी और उनकी पूरी टीम, उस समय सर हमने वर्ल्ड प्रीमियर वहाँ पे प्रीमियर करने का काम किया, मंच दिया भारतीय फिल्मों को आगे बढ़ाने के लिए। कान फिल्म फेस्टिवल में भी सर 75 ईयर जब भारत और फ्रांस ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज के मनाए, पहली बार सर किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर मिला तो भारत को, वो पिछले वर्ष हमें यहाँ पर होने का काम हुआ सर। सर एक के बाद दूसरा वो क्षेत्र है जहाँ पर भारत ने फिल्मों के क्षेत्र में अच्छा किया। सर बस दो मिनट सर, मैं वैसे करूँ एक मिनट में ख़त्म कर दूंगा। हाँ। सर अगर अभी सर पिछले साल सर सेंट्रल एशिया का डेलीगेशन आया था युवाओं का, सर मुझे कहते हो इस पूरे सदन के सामने प्रसन्नता होती है, जब सर शाम को भोजन का समय था उन्होंने कहा हम कुछ कल्चरल प्रोग्राम करना चाहते हैं, मुझे लगा अपने देश के गाने बजाएंगे। सर भारतीय फिल्मों की धुन और उनको गाने का काम उस सेंट्रल एशिया के सर युवाओं ने किया, और बात भी कब की, राज कपूर जी की फिल्मों के गाने गाए गए, मिथुन चक्रवर्ती का गाना जिमी 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 आजा आजा आजा, सर उस पर आज के युवा के डांस कर रहे हैं सर, दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज अगर RRR ने जो किया है सर, सर उसके पीछे जो स्टोरी लिखने वाले, पटकथा लिखने वाले इस सदन के सदस्य भी हैं, हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है विजेंद्र जी, श्री अब्दुल वहाब, कि सर केवल स्टोरी नहीं लिखी सर, एक अच्छे व्यक्ति को चुनकर इस सदन का हिस्सा बनने का अवसर दिया, उसके लिए भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप सबकी ओर से सभी को RRR द एलिफेंट विस्परर्स के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं सर। आर्टिस्ट